السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال جل وعلا في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين الكرام یہ جمادی الاولی کا اختتام ہے شہریان حیدرآباد کے سبھی مسلمان اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسی ماہ مبارک کے 29 تاریخ کو شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ حاجی حافظ محمد انوار اللہ فاروقی قادری چشتی صابری رحمت اللہ علیہ کی سالانہ فاتحہ یا عوام کی زبان میں عرس شریف ہوتا ہے. اسی مناسبت سے جامعہ نظامیہ میں ہر سال سالانہ جلسہ بھی جلسے تقسیم اسنادات اسی زمن میں دونوں چیزیں عمل میں آتے ہیں. صالحال مسائل کی وجہ سے شاید انتظامی امور میں دشواریوں کی وجہ سے یہ پروگراموں میں کچھ تبدیلی عمل میں آئی ہے، لیکن ہمارا یہ دعوت اصلاح و عمل کا پروگرام تو ہر صورت میں جاری رہے گا، اس لیے کہ ہمارے کو عقیدے کی بھی درستگی کرنا ہے، عمل کی بھی کرنا ہے، اور یہ شیخ الاسلام کا پیغام یہی ہے. شیخ الاسلام جہاں پر کندے نہ تراش کو تراش کے ہیرا بنانے کے لیے جامع نظامیہ کھولے، وہیں پر علماء عوام کے عقیدہ اور اصلاح کے لیے مجلس اشاعۃ العلوم کا بھی قیام عمل میں لائے، جس کی طرف ہماری عوام اس وقت توجہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ مجلس اشاعۃ العلوم کے کتب سے استفادہ حاصل نہیں کر رہی. اگر شیخ الاسلام کے حکم سے چھپے ہوئے کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو جس طریقے سے دو ضرب دو چار، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ واضح انداز میں آپ کو بانی جامعہ کا عقیدہ کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے پکے سنی اور اہل سنت الجماعت کے حمایتی تھے بانی جامعہ. آپ کو معلوم ہے کہ بانی جامعہ کے زمانے میں حیدرآباد میں نظام کی حکومت تھی،
इब्तिदा में महबूब अली पाशा वो बादशाह रहे, उसके बाद निज़ाम हफ्तुम उस्मान अली पाशा बादशाह रहे। ये दोनों को बानी जामिया से तलम्मुज़ हासिल रहा। अतालीक थे उस्मान अली पाशा के, बल्कि उस्मान अली पाशा आपकी शागिर्दी पर नाज करते हैं। 22 साल तक यानी बचपन से लेकर तख्त नशीनी की उम्र तक, तख्त नशीनी तक उस्मान अली पाशा बानी जामिया के सोहबत से वाबस्ता रहे और इस्तफादा करते रहे। बानी जामिया के जमाने में एक मसला उठा था, शिमाली हिंद में बहुत से उलमा हैं वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे के इस्लाम जुनूबी हिंद में पहले आया लेकिन शिमाली हिंद में भी काफी उलमा हैं। और वो जमाना हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुतकिदीन उनके खुलाफा शिमाली हिंद में बहुत ज्यादा थे। उन्हीं के लोगों में से किसी ने एक मसला उठाया कि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तस्करे के वक्त क़याम करना ये गलती है। वो बहुत से अल्फाज लिख दिए, वो शिर्क है, कुफ्र है, जलालत है, गुमराही है, मुख्तलिफ चीजों से। ये वो जमाना था जबकि बानी जामे निजामिया मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा को अपना मस्कन बना लिए थे, आप वहीं पर रहने की नीयत से चले गए थे। जब ये चीज मालूम हुई तो आप उसका जवाब दिए, लेकिन जवाब कहकर नहीं बल्कि पूरे दलायल कुरान और हदीस की रोशनी में क़याम, सलाम के वक़्त क़याम, विलादत के तस्करे के वक़्त क़याम, ठहर कर जो है ना विलादत का जिक्र करना कुरान और हदीस से साबित किए। और अनवार अहमदी जैसी बहुत ही उम्दा किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इश्क में भरी हुई किताब तसनीफ़ फरमा, और इसको पढ़ने के बाद आपके शेख हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर तकरीज लिखते हुए फरमाए कि ये मेरा भी यही मसलक है और इसी पर मैं भी कायम। सिर्फ इतने पे बस नहीं हो बल्कि बानी जामिया ने देखा कि ये फितना आगे बढ़ रहा है, तो हजरत के शागिर्द या हजरत के हम असर बहुत बड़े आलिम थे सैयद गुलाम मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनको फरमाए कि क़याम से मुतालक एक किताब तसनीफ करें। वो भी मदीने मुनव्वरा में थे, उन्होंने अरबी में किताब लिखा 1331 हिजरी में। उससे अंदाजा होता है कि ये मिलाद के तस्करे के वक्त क़याम के बारे में हिंदुस्तान में खुश अकीदा लोग थे, सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सलाम के वक्त भी ठहरते, जिक्र विलादत के वक्त भी ठहर कर जो है ना जिक्र करते। लेकिन जैसे जैसे हुकूमतें बदलती गईं, हालात बदलते गए और सऊदी में अरब में तुर्कियों की हुकूमत ख़त्म हो गई, शरीफ मक्का का दौर ख़त्म हो गया, सऊदी दौर आ गया, तो उसके साथ ही हालात बदल गए। तो बानी जामिया ने हजरत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि इस मुतालक किताब लिखें, तो आपने अलवसीलतुल उज़्मा के नाम से एक किताब तसनीफ फरमाई जिसमें क़याम मीलाद पर मुकम्मल बहस किए। और उसकी इब्तिदा खुद उस सवाल के जवाब में लिखते हुए पहले ही सत्रों में उन्होंने जवाब देते हुए फरमाया कि ये क़याम क़याम तअज़ीमी है, ताबुदी नहीं है।
तो इससे बात वाज़े हो गई कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद आदम को सजदा करवाया फरिश्तों से, तो कोई मुसलमान इस बारे में दो राय नहीं रखता कि यह सजदा इबादत का नहीं था, यह सजदा ताज़ीम का था, सजदा ताज़ीमी कहते हैं। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र विलादत के मौके पर क़ियाम करना ठहरना ये क़ियाम ताज़ीमी है, क़ियाम ताबुदी नहीं है। तो अज़ीज़ा निगरामी, ऐसे ही बहुत से मसाइल जो उस जमाने में छिड़ गए थे, बानिजाम निज़ामिया ने उसकी तरदीद की। बल्कि आजकल जो नए नए मसाइल, चाहे वो कुरान के मुतालक हो या तादद अजवाज से मुतालक हो, जो नए नए बहसें मसाइल पैदा हो रहे हैं, अगर बानी जामिया का दौर होता या इस दौर में बानी जामिया रहते तो ऐसा दंदान शिकन मुंह तोड़ जवाब देते कि फिर मुखालिफ को सूरत दुनिया में कहीं सूरत बता नहीं सकता था। हज़रीन किराम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद साहब ने अपने अकीदे को तहजीबुल अखलाक जो उनका रिसाला था उसमें जाहिर किया बहुत से मौकों पर। उनका अकीदा ये था कि फरिश्ते मौजूद नहीं हैं, फरिश्तों का कोई वजूद नहीं है, ये ख्याली चीज है। इसी तरह जिनों का, शैतानों का भी कोई वजूद नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजिज़ात के वो मुनकिर हैं। तो बानी जामे निज़ामिया ने उनका बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया। और ये लोग जो है ना दीन को अक्ल के ताबे कहते थे, तो बानी जामिया ने किताबुल अक्ल लिखकर उसमें बतलाया कि यकीनन दीन अक्ल के ताबे है, लेकिन हरकस व नाकस के नहीं, बल्कि जो अक्ल कामिल रखता है, जो कुरान और हदीस को समझने की सलाहियत रखता है, वैसे लोग इसमें तदब्बुर तफक्कुर कर सकते हैं। तो एक मिसाल जो बानी जामिया दिए किताबुल अक्ल में, वो आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आपसे भी लोग हम बहस करें तो आपको समझाने के लिए सहूलत होगी। सरसगे साहब जो इनकार करे उसकी दलील ये लाए कि जो चीज दिखती है उसको मान लिया जाता है, जो चीज नहीं दिखती उसको तस्लीम नहीं किया जाता, लिहाजा जिन नहीं दिख रहे, फरिश्ते नहीं दिख रहे, तो इसको तस्लीम नहीं कर सकते, यानी अक्ल इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस पर बानी जामिया दुनिया ही की एक मिसाल देकर सर सैयद साहब से पूछे कि ठीक है, हवा जिसके बगैर इंसान दुनिया में जी नहीं सकता, आज भी ऑक्सीजन की परेशानी कमी की वजह से कोरोना हो रहा, लोग जो है ना फ्री में हवा मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, जब परेशानी आई हजार रुपए लाखों रुपए खर्च करके जो है ना दवाखानों में मुसीबतें झेलने के लिए तैयार है। अज़ीज़ा निगरामी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुमको सेहत अता फरमाया, ओला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम चाहते हैं कि तुमको कोरोना ना हो, ओमिक्रोन ना हो, ये बीमारियां ना आए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, फजर के वक्त उठो, नमाज पढ़ो, ताजी सा हवा लो, ऑक्सीजन लो, तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, इस बात की तरफ तवज्जो। तो हवा के बारे में बानी जामिया का सवाल था कि हवा है तो इसका रंग क्या है, इसका वेट क्या है, और इसका चेहरा मोहरा कैसा है, थोड़ा समझा दें। हवा का तो कोई इनकार नहीं करता, ये चीजों को, अकल को, कुरान हदीस के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है लाते, लेकिन साइंस के खिलाफ नहीं जाते, इसलिए कि दुनिया थूकती। तो अब वो परेशान हो गए, बानी जामिया यही सवाल करे कि ठीक है, आपको जो चीज नजर नहीं आती उसको नहीं मान रहे, एक उसूल पर, एक कायदे पर कायम रहना, नजर नहीं आने वाली चीज उसका वजूद नहीं है, नहीं मानेंगे,
तो अब हवा का रंग क्या है बोलिए, उसका वजन क्या है समझाइए, नहीं तो इनकार कीजिए। इनकार करें तो जो है ना दुनिया वाले बोलते कि अरे दीवाना हो गया ये। तो बोलने का मकसद ये है, बानी जामिया किताबुल अक्ल में जगह जगह अकली मिसालें देके दीन को समझाए। हाँ, बानी जामिया की किताबें पढ़ने की जरूरत है। अगर हम तवज्जो से बानी जामिया की किताबें पढ़ेंगे तो आज चाहे वो गैर मुखलदियत हो, खादियानियत हो या शियत हो, कोई भी चीज रहे, हर उसके फिरके का जवाब अब बानी जामिया की किताबों से दे सकते हैं। अब बानी जामिया की किताबों का मुताला करेंगे तो अकल हमारी वसी होती है, शुरूर बेदार होता है, और इसकी वजह से हम दीनी मसाइल को समझने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन, बानी जामिया का बहुत बड़ा मुकाम व मर्तबा है। ये एक ही वक्त में बहुत बड़े मुसन्निफ़ भी हैं, बहुत बड़े मुसलह भी हैं, बहुत बड़े सूफी भी हैं, तसव्वुफ़ में भी आपकी आपका जवाब नहीं। अनवारुत तमजीद फी अदिल्लति तौहीद किताब है आपकी। आजकल लोग तसव्वुफ़ के नाम पे लोगों को गुमराह कर दे रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना खुद भी गुमराह हो रहे हैं और अपने मुरीदीन को, मुतवसलीन को, मुतकिदीन को गुमराह कर रहे हैं तसव्वुफ के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि पक्के सूफी बने, रुजू इल्लाह हो, तकरुब इलाही तुम को नसीब हो, अगर ये चाहते हैं तो बानी जामिया की किताब खुदा की खुदरत, अनवारुल्लाहिल वदूद, अनवारु तमजीद फी अदिल्लति तौहीद, ये किताबें पढ़ो तो मालूम होगा तसव्वुफ क्या है, तौहीद क्या है, वहदतुल वजूद क्या है, वहदतुल शुहूद क्या है, ये तमाम चीजें आपको समझ में आते हैं। बानी जामिया अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी, आप इब्ने अरबी की किताब फुतुहात मक्कीया, ये तसव्वुफ की बहुत मेयारी किताब मानी जाती है, फुतुहात मक्कीया, उसका दर्स देते थे सिर्फ उलमा मशाकिन को, अवाम को उसके अंदर आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए कि अवाम ऐसे बातें सुनकर हिदायत पे कम आती, गुमराह ज्यादा होती। इसलिए कल्लिमुन्नास अला कद्रि उकूलिहिम, अरबी का मुहावरा है कि लोगों के अकल के मुताबिक उनसे गुफ्तगू करना, एक जाहिल है तो उसी हिसाब से बात करना, एक आलिम है तो इल्मी दलायल उसको देना। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अगर कोई जाहिल, कोई जो है ना खेत में काम करने वाला, कोई लकड़हरा आता मौजज़ा तलब करता तो उसी अंदाज के आप मौजज़ा जाहिर करते थे, और पढ़े लिखे समझदार साहबा इकराम आते तो उनको जो है ना इल्मी मौजज़ात से नवाजते थे। तो ऐसे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए खुद कुरान मजीद चलता फिरता जिंदा मौजज़ा है, और अवाम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से मौजज़ात जाहिर किए हैं। तो बानी जामिया भी बहुत बड़े अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, आलिम भी हैं, आलिम बामल हैं, सूफी भी हैं, सूफी बासफा हैं, और बल्कि बड़े बड़े मशायखीन जिनको जिनका तसव्वुफ अपने आला मेयार को पहुंचा हुआ है, वैसे लोग बानी जामिया के शागिर्दे हैं, और उनके शागिर्दी शागिर्द होने पर उनको नाज है। तो बानी जामिया किसी एक जात का नहीं, एक अंजुमन का नाम है, उसकी तरफ आप लोग जो है ना तवज्जो करें। बानी जामिया की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, बानी जामिया के तरीके पर चलकर अपने अकीदे को दुरुस्त करने और अपने आमाल की इस्लाह करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह इस्लाम की जिंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमा, बोख्त अखिल जबान पर कलिमा तैयबा जारी फरमा, बिहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरिल खल्क़ी व अला आलिहि व सहबिह अलहम्दुलिल्लाह।